बच्चों को ना अब्बा की एहसानात नजर नहीं आ रहे होते, अम्मा के नजर आ रहे होते हैं कि अम्मा पैंपर भी चेंज कर रही होती है, वापस दूसरा लगा भी रही होती हैं, ये नहीं पता होता कि पैंपर में तेल किसका निकला है। माँ अगर बाप के हकूक बताए ना कि बेटा तुम्हारे बाप का ये हक है, बाप से कभी ऊंची आवाज से बात नहीं करना, और बाप की बड़ी इज्जत होती है कि भाई ये इसने मुझे छत दी हुई है, और देखो ये जो मैं तुम्हें पराठे खिलाती हूँ ना सुबह सुबह, तो पराठे तो मैं खिला रही हूँ लेकिन खर्चा कौन कर रहा है। बच्चों को ना अब्बा की एहसानात नजर नहीं आ रहे होते, अम्मा के नजर आ रहे होते हैं कि अम्मा पैंपर भी चेंज कर रही होती है, वापस दूसरा लगा भी रही होती हैं, ये नहीं पता होता कि पैंपर में तेल किसका निकला है खरीदने में, ये बाप का निकला है, सारा दिन कमाता है वो गधे की तरह, फिर जाके पैंपर आ रहे हैं घर में। तो बच्चा तो माँ को देख रहा होता है कि पराठा बना रही है, अंडा खिला रही है, और जैम पे रोटी लगा रही है, ये खा ले, नहीं भी ये नहीं खाना तो चलो वो खा ले, वो जो उसके सब कुछ तैयार करके उसको वैन में बिठा रही है और फिर वापस आता है तो गले लगा रही है। बच्चा ये देख के समझता है कि अम्मा के हुकूक अब्बा से ज्यादा हैं। तो अम्मा ये सिखाए कि बेटा ये पैंपर अब्बू के पैसों से आया, ये जो छत मिली है किसने दी है, तुम इतनी इज्जत के साथ हो ना, मैं भी और तुम भी, ये किसने दी है ये नेमत, ये तुम्हारे अब्बा ने दी है, और तुम स्कूल में जा रहे हो, वैन की फीस भी अब्बा देते हैं, तो ये सारा खर्चा अब्बा का हो रहा है, स्कूल की फीस भी अब्बा देते हैं, और तुम्हें जो कौम मिली, खानदान मिला, ये भी किसकी वजह से मिला, अब्बा की वजह से, फिर मजा आएगा। और अब्बा उल्टा काम कर रहे हो, अब्बा कह रहे हो कि बेटा देखो तुम्हें तकलीफों से जना किसने है, माँ ने जना, और मैं तो सिर्फ पैसे दे के निकल लेता हूँ पतली गली से, ये जो सुबह उठे पराठे बनाती है बेचारी, किचन के सामने आग में खड़ी होती है इतनी देर, और बार बार पैंपर चेक करती है रिपोर्ट कैसी है, यही काम आजकल रह गया ना, खराब रिपोर्ट है तो चेंज कर दो वरना वो लगा रहने दो, ठीक है ना। तो वो बच्चों की हगाई मुताई का काम तो पैंपरों ने अपने जिम्मे ले लिया है, तो ये जो चेक करती है, मेरे अंदर तो ये हिम्मत नहीं है, तुम्हें गोद से लगाया, तुम्हें अपनी छाती से दूध पिलाया, तुम्हें तकलीफों से उठाया, तो बाप माँ के फजाइल सुना रहा हूँ, और बेटा ये जो मैं घर में तुम आराम से पल रहे हो, मैं सफर भी करता हूँ दुनिया से बाहर भी मुल्क से बाहर भी जाता हूँ, शहर से बाहर भी जाता हूँ मैं, तो मैं फिर भी तुम्हारे बारे में सुकून में रहता हूँ कि इन्हें कोई तंग नहीं करेगा, ये महफूज हाथों में है, क्योंकि माँ का ऑल्टरनेट कोई भी नहीं है। तो मैं जो इतनी बेफिक्री से थड़े पे बैठ के गप्पे लगा रहा होता हूँ ना दोस्तों के साथ, मुझे पता है बच्चे घर में सही पल रहे हैं, माँ के अलावा किसी और गोद में होते पता नहीं क्या कर रही है, जहर खिला दे के मारना देती कहीं, वो सामने तो बड़ी अच्छी बनी होती है माशाल्लाह मेरा लाल, बाप के जाते ही बोले कमबख्त, एक आदमी ने शादी की सौतेले बेटा मिला ना उसको, तो मुझे वो कह रहा है यार ये सौतेला बेटा जो है ना मुझे एक आंख नहीं भा रहा है, ठीक है ना, उनका मजा भी है, कह रहा यार ये मुझे एक आंख नहीं भा रहा है ये, तो मैंने कहा क्या खराब है, कह रहा यार ये मुझे पता नहीं अपने बच्चों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जाहिर है जो सच्ची मुच्ची की माँ होती है, सच्ची मुच्ची का बाप होता है, उसको जो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं वो दूसरों के अच्छे नहीं लगते, तो बाप को चाहिए बच्चों को बताए कि देखो तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें गोद में सुकून मिला है ना, और मैं भी जो तुम्हारी तरफ से तसल्ली में हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें पाल रही है, कोई और औरत होती तो मुझे भी तसल्ली ना होती। तो दोनों एक दूसरे के फजाइल सुनाएंगे तो काम चलेगा, वो उधर अपनी तरफ घसीट रहा है, वो उधर अपनी तरफ कि माँ की बातों में नहीं आना, बता दो ये तो मैं इसकी बातों में आ गया था तो शादी हो गई मेरी इससे, अब तुम नहीं आना, तुम्हारी माँ उल्टी बातें बताएगी बेटा तुम्हें।